नरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। कौन था वो 15 साल का बच्चा जिसने शिमला पार्क पर किया कार एक्सीडेंट, या 15 साल के बच्चे ने किया कार का एक्सीडेंट? मुमरा के एमएम वैली के स्टेडियम के रोड पर कल 18 नवंबर 2022 देर रात को हुआ एक भयानक एक्सीडेंट। हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला, उन्होंने बताया कि ये एक्सीडेंट करने वाला एक 15 साल का लड़का था। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो होंडा मोबाइलो कार थी। कार का नंबर है MH03BS4357। आसपास के लोगों ने ये भी जानकारी दी कि कार की स्पीड तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने इसकी जानकारी पूछी तो वहां से हमको अब तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। केस एक्सीडेंट का है तो क्या पुलिस इस कार को जब्त करेगी और केस दर्ज किया जाएगा? एक्सीडेंट की गंभीरता को आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किस तरीके से जोरदार एक्सीडेंट किया गया है। कार को टोइंग करके मुमरा के शिलपाटा रोड के गैलेक्सी मोटर्स में रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़का कौन था, ये कार किसकी थी, और इतनी छोटी उम्र में इस लड़के को ये कार किसने दे दिया? और अगर दिया भी तो इस कार से अगर रास्ते चलते का किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस मामले में क्या केस दर्ज किया गया है? अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। इन्फॉर्मेशन मिली और हम तत्काल इधर आए और जीवित हानि कुछ नहीं हुई है। अच्छा। जो रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है उसको जो मालिक है वो भी नहीं है इधर, उनको बोला कि कांटेक्ट करके गाड़ी साइड में करके जो कुछ हुआ है उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी ये गाड़ी हटा देंगे ना आप, साइड में कर देंगे, साइड करेंगे। अच्छा। पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं हो और इससे कोई टकरा के कोई वो अलग हादसा नहीं हुई, इसलिए हम गाड़ी निकाल के साइड करते हैं। थोड़ा सर से बात करके ये साइड में थोड़ा एक दो हवलदार आप लोग अरेंज करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग है ना बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, ये हमने भी देखा है। अभी हमको सुबह में कॉल आया तो हमको मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, तो जरा आप सर, हम भी बात करेंगे सीनियर सर से, आप भी बात कीजिए। ठीक है सर, ये बात बताते हैं, पेट्रोलिंग चालू कर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।